आप देख रहे हैं कुंभ का दूसरा शाही स्नान। मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोगों ने लगाई डुबकी। शिवराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, आप खुद को बताया हीरो। गौर ने कहा कमलनाथ सिर्फ 5 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री। जयवर्धन बोले गौर से सीखे कांग्रेसी। सिंहदेव का प्लान, छत्तीसगढ़ में गंभीर किडनी पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। और जमीन विवाद में अपने हुए पराए, देवर ने गोली मारकर भाभी की हत्या। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कुंभ मेले का दूसरा प्रमुख शाही स्नान और मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ संगम के घाटों पर पहुंची और श्रद्धा की डुबकी लगाई। अमृतव स्नान के लिए संगम घाट पर सबसे पहले महानिर्वाण और अटल अखाड़ा ने स्नान किया। यहां करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या के लिए मेला प्रशासन ने घाटों पर सुगम स्नान के प्रबंध किए। जाल के साथ बैरिकेटिंग की गई। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन कुंभ के पहले तीर्थकार ऋषभदेव ने लंबी तपस्या का मौन व्रत तोड़ा था और संगम के पवित्र जल में स्नान किया था। सनातन धर्म में हर अमावस्या का खास महत्व है। इस बार सोमवती और मौनी अमावस्या पर महोदय योग बना। दुर्लभ योग में गंगा स्नान, दान पुण्य करने से राहु केतु और शनि से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कुंभ होने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। महोदय योग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर स्नान, पूजा पाठ और दान करने से साधक को कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। टाइगर के बाद अब शिवराज ने खुद को हीरो बताया है। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1.5 महीने में आधा मध्य प्रदेश घूम चुका हूं। जनता के बीच आज भी हीरो जैसा स्वागत होता है। लोगों का प्यार पहले से ज्यादा मिल रहा है। लोग कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा सक्रिय हूं। भाजपा कार्यालय में सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में न हम हारे हैं न कांग्रेस जीती है, और यदि लोकसभा सीट के हिसाब से देखें तो भाजपा 17 और कांग्रेस 12 सीट जीती है। हमें 5 सीटें ज्यादा मिली हैं। जहां जाता हूं मेरा हीरो जैसा स्वागत होता है। शिवराज ने कहा कि राज्य सरकार वचन पूरा करने की बजाय टाइम काट रही है। आचार संहिता लगने से पहले कुछ लोगों के खाते में पैसा पहुंचाकर वाहवाही लूटना चाहती है। इसलिए मैं एक दिन नहीं बैठा, लगातार आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में 1.5 महीने में घूम चुका हूं। लेकिन जनता की भी जाता हूं, आश्चर्यचकित रह जाता हूं। हारने के बाद हीरो जैसा स्वागत होता है। शिवराज ने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत योजना भी ठीक से लागू नहीं कर रही। शिवराज ने कहा कि लोकसभा चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, यह राष्ट्रवादियों और देश को बांटने वालों के बीच धर्मयुद्ध है। सभी विपक्ष दल जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वे मोदी को हटाने के लिए गलबैयां करते रहे हैं। यह गठबंधन स्वार्थों के आधार पर बना है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कागज के टुकड़ों पर किसानों का कर्ज माफ हो रहा है। बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 डिजिटल रथों को हरी झंडी दिखाकर लोकसभा क्षेत्रों में रवाना किया। ये डिजिटल रथ लोगों से करेंगे भारत के मन की बात। इस मौके पर शिवराज सिंह के निशाने पर राहुल गांधी और कमलनाथ सरकार रही। मित्रों, एक बार फिर से संघर्ष का संख फूक गया है। लोकसभा के चुनाव सामने और ऐसे समय जब राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। अभी बिहार में जाके कह दिया उनने कि किसानों का सब कर्जा माफ हो गया। कागज के टुकड़ों पे कर्जा माफ करने वालों, पहले यह तो बता दो बजट में तुमने प्रावधान कितना किया है।
झूठे वादे कर दिए, रंगीन सपने दिखा दिए, पहले कागज का टुकड़ा जारी कर दिया और फिर कई प्रतिबंध लगा दिए, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, कई तो पहले ही छांट दिए, और बचे वो सब फॉर्म भरवा रहे हैं आवेदन। अरे काय क्या आवेदन, बैंक से सूची लो। शिवराज द्वारा रवाना किए गए डिजिटल रथ के माध्यम से बीजेपी जनता से सुझाव मांगेगी। इकट्ठा हुए सुझावों के आधार पर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये जनता से जुड़ने का अभियान है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह को 2.5 करोड़ जनता का और मुख्यमंत्री कमलनाथ को 5 करोड़ जनता का मालिक बताया। वहीं जयवर्धन सिंह ने कहा अगर राजनीति में आगे जाना है तो बाबूलाल गौर से बहुत कुछ सीखना होगा। भोपाल में एक समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के सीनियर लीडर बाबूलाल गौर ने मंत्री जयवर्धन सिंह को 2.5 करोड़ जनता का मालिक बताया, तो वहीं सीएम कमलनाथ को 5 करोड़ जनता का मालिक बताया। गौर यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा आगे कभी मुख्यमंत्री का आशीर्वाद नहीं लेना, हो सकता है गुरु कृपा हो जाए। माननीय मंत्री जी, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट देती है, उनके कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री कहो या नगरीय निकाय मंत्री जयवर्धन सिंह जी है। मुझे इसका 10 साल का अनुभव है, 2.5 करोड़ के जनता के मालिक हैं और बाकी 5 करोड़ के कमलनाथ जी हैं। अरे यार, आप तो मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दीजिए। मामला यहीं थमने वाला नहीं था। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कांग्रेसियों को सलाह दी, अगर राजनीति में आगे जाना है तो हमें बाबूलाल गौर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मेरे पिता के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जो हर एक मेरा साथी है, हर एक जनप्रतिनिधि है, मैं आप सबसे अर्ज करता हूँ कि गौर साहब की कार्यशैली से, उनके व्यवहार से, उनके पिछले 45 साल के कर्मों से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और अगर हम उनकी ही राह पे चले तो शायद हम सब भी और भविष्य में और सफल हो सकते हैं। फिलहाल समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों के गंभीर किडनी पीड़ितों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया जाएगा। जिन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है वहां के ग्रामीणों का इलाज भी रायपुर में होगा। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सुविधाओं का अचानक मुआयना करने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गरियाबंद के सुपेवेड़ा पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्रामीणों से चर्चा कर शासन की योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। टीएस सिंहदेव ने ग्रामीणों से कहा कि जरूरत पड़ने पर गंभीर किडनी पीड़ित को हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया जाएगा। उन्होंने हेल्थ चेकअप के लिए पूरे गांव के सभी लोगों को बस से रायपुर चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह सरकारी खर्च पर आना जाना रहना, चेकअप और जरूरत पर पर्याप्त इलाज करवाया जाएगा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने सुपेवेड़ा समेत आसपास के 7 गांव को गोद लेने की बात कही। छतरपुर जिले के देवता गांव में पारिवारिक विवाद के चलते देवर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भाभी को गोली मारकर हत्या कर दी। पुश्तैनी मकान को लेकर यह विवाद हुआ था। घटना उस समय हुई जब आरोपी देवर जयसिंह और उसकी पत्नी का अपनी भाभी सरोज से पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि देवर जयसिंह राजपूत और देवरानी ने मिलकर लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से सरोज की मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद गांव में चीख पुकार होने लगी। आरोपी देवर और देवरानी मौके से फरार हो गए। हत्या की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारी लड़ाई काफी दिन से, हम 12 साल टोला में रहे, उनकी झुमकी निकाली दूसरी लुगाई ने, हमारे ऊपर लड़ाई लगी, हमारा कमरा उन्होंने बना था, हमने रोका ये कमरा हमारा बना लो। पुलिस वाले ने कहा है कि भैया तुम जैसे ही इनके दे भी दिन के पैसा दे दो,
ना हमारे उनने पैसा था, हमारी हवाली खुद मर गया। आज का मामला जाके मैं पानी बनाने गया था, मैं घर पे हता नहीं। कौन था घर पे? घर पे पीना था, छोटी छोटी बच्चे हाथ में खेलने गए। पत्नी आप? पत्नी मेरी घर रहती, घर कहा कि मैं आया वहाँ से, तो मुझे आवाज़ आई कि मुझे बचाओ बचाओ, मर गई। उसमें जब आवाज़ मेरी मौत यहाँ पर साथ में, और जय सिंह और मीरा हाँ मैंने यहाँ दोनों को देखा। ये दोनों आपके कौन है? जी मेरे छोटा भैया है और मेरी बहू है। ये थाना अलीपुरा क्षेत्रीय घटना है, इसमें दो भाइयों के बीच में मकान को लेकर विवाद था, उसमें देवर ने भाभी को की हत्या कर दी है। आरोपी फरार है, प्रकरण पंजीकृत कर लिया गया, आरोपी तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस नेता के बेटे अमन अग्रवाल के शिक्षक पर हाथ उठाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आग बबूला हुए छात्रों ने रसूखदार की कार को पलट दिया और बिगड़े नवाब की जमकर धुलाई कर दी। कवर्धा के खैरबना में कांग्रेस नेता के बेटे अमन अग्रवाल और एक शिक्षक के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों ने पुलिस स्टेशन में जाकर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, बेतरतीब ढंग से कार चलाने को लेकर कांग्रेस नेता के बेटे का छात्रों से विवाद हो गया। इसी दौरान शिक्षक ने बीच बचाव किया तो अमन अग्रवाल ने शिक्षक के साथ मारपीट कर दी। शिक्षक से मारपीट देखते हुए छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया, जिससे सभी छात्रों ने मिलकर अमन अग्रवाल की गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी, गाड़ी को पलटा दिया और अमन के साथ भी छात्रों ने जमकर मारपीट की। ग्राम खैरवना कला है, थाना कवर्धा क्षेत्र के अंतर्गत। तो आज दिनांक करीबन 3 बजे जो है हाई स्कूल के बच्चों का जो है भोजन अवकाश का छुट्टी था, अवकाश था, उसी समय अमन अग्रवाल करके अपने गाड़ी में अपने साथियों के साथ जा रहे थे। तो 4-6 बच्चे वहाँ पर खड़े थे, तो गाड़ी को लेकर तेज क्यों चला रहा है, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तो राजेश खरे की रिपोर्ट पर अमन अग्रवाल को अपराध पंजीबद्ध दर्ज के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है, मारपीट का और गाड़ी तोड़फोड़। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंधी की प्रसिद्ध गायिका भवंती नवानी के जन्मदिवस पर सांस्कृतिक संगीत का कार्यक्रम हुआ। संतनगर में स्थानीय कलाकारों ने भवंती नवानी के गाए हुए गीतों की प्रस्तुति दी। सिंधी भाषी लेखिका और गायिका भगवंती नवानी के जन्मदिन के अवसर पर कवियों ने भी अपनी रचनाएं पेश की। इसके बाद गायक लारी लछवानी, दिलीप ललवानी, रचना लछवानी, परसू नथानी, द्रौपदी चंद्रानी ने अपनी मधुर आवाज में गीत पेश किए। कार्यक्रम में संत नगर के अलावा अन्य शहरों से आए रसिक श्रोता मौजूद थे। गायिका भगवंती नवानी का जन्म नासरपुर में 1 फरवरी 1940 में हुआ था। उन्होंने कई गीतों और भजनों की प्रस्तुतियां दी और सिंधवाजी किनारे में बतौर हीरोइन किरदार भी अदा किया है और 3000 से अधिक मंच प्रस्तुतियां भी दी हैं। इनको बेस्ट सिंधी सिंगर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। जमीन विवाद में पिता ने अपने 50 वर्षीय पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के दोकरा गांव में जमीन का विवाद इतना बढ़ा कि एक पिता ने अपने पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान लेने की कोशिश की। परिजन घायल को लेकर जब संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। इससे नाराज परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल के अधीक्षक IPS गहरवार ने परिजनों से कहा कि मामले में जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद कई घंटों तक अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कल शाम को वारदात ये हुई, उनकी तबीयत और गंभीर हुई, ऑपरेशन के लिए बोले थे सर। जैसे ही मैं लेके आया तो बोले 2 घंटे में ऑपरेशन कर देंगे तो आराम हो जाएगा सर, बोले 2 बजे तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। फिर ऑपरेशन नहीं किए, 2 बजे मैं गया सर के पास तो सर कहीं दूसरी जगह बिजी थे।
फिर 2 बजे मैं गया, फिर बोले 3 बजे आना, 3 बजे भी गया, 4 बजे, 5 बजे, मतलब 6-8 बजे तक मैं कंटिन्यू उनके पास जाता रहा बार बार। वो मुझे सिर्फ अवगत कराते रहे कि अभी सर नहीं है। फिर मैं पूछा डॉक्टर साहब से, सर अगर लेट होता है तो क्या होगा, तो बोले कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पिताजी उनको कुल्हाड़ी मार दिया था, जिसमें सामने तक का चेहरे का कटा हुआ था। उसी दिन उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर दिनेश पटेल हमारे एक्सपीरियंस न्यूरो सर्जन हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बाद हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन आप भी जानते हैं कि किसी को कुल्हाड़ी चले जाए ब्रेन के अंदर तो पूरा कार्टिंग चले जाए, तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन होने के डर रहते हैं। और मरीज को कभी भी नहीं बताया गया कि आप खतरे के बाहर हो गए उनके साथियों को। उसके बाद भी अगर उन्हें कोई शिकायत होगी वो लिख के देंगे, जो भी संभव होगा जितना उचित होगा कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि नहीं, इलाज में कोई आप लापरवाही नहीं की गई। उनकी मांग थी कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जांच होगी और 1 हफ्ते के अंदर जांच होगी, जो दोषी होंगे कार्रवाई की, जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की। पूर्व सांसद और छतरपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बुंदेला का निधन हो गया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 60 वर्षीय बुंदेला काफी समय से अस्वस्थ थे। बुंदेला के निधन की खबर से छतरपुर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। जितेंद्र सिंह बुंदेला करीब 1 वर्ष से लीवर डैमेज की समस्या से जूझ रहे थे। उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। जितेंद्र सिंह बुंदेला 2003 से 2008 तक बिजावर क्षेत्र से विधायक रहे। 2009 में खजुराहो सीट से सांसद चुने गए। वर्तमान में जितेंद्र सिंह बुंदेला छतरपुर बीजेपी अध्यक्ष होने के साथ प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी थे। अखिल भारतीय सिंधी महासभा ने तय किया है कि शादी बारात में शराब का सेवन बंद करने के लिए समाज को जागरूक किया जाएगा और इस बुराई पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाएगी। संत हिरदाराम नगर में अखिल भारतीय सिंधी महासभा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। महासभा के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश मीर चंदानी और प्रवक्ता सुरेश जसवानी ने कहा, समाज फैली कुरीतियों को दूर करने के साथ शादी बारात में शराब के सेवन पर रोक लगाई जाएगी और कॉकटेल पार्टी के चलन को भी बंद किया जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय सिंधी महासभा एक सामाजिक संस्था है। समाज हित में, संस्कृति हित में, सभ्यता के हित में, भाषा के हित में जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो अथक प्रयास किए जाएंगे। और सेवा को कैसे आगे बढ़ाना है, तमाम संस्थाएं काम करती हैं, उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी संस्था रहेगी और हम ये कोशिश करेंगे कि तय समय सीमा पर हम कोई भी अगर काम हाथ में ले तो उसका रिजल्ट निकले। इस दृष्टिगत अखिल भारतीय सिंधी महासभा काम कर रही है। समाज में शराब का कल्चर बढ़ रहा है, मांस खाने का कल्चर बढ़ रहा है, इन सब को रोकना। देखिए, बुराइयां बहुत जल्दी से पैर पसारती हैं और अच्छाइयों के माध्यम से उनको रोकना, ये हमारा संकल्प है। अखिल भारतीय सिंधी महासभा के राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश मीर चंदानी ने अपनी नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। महासभा विधवाओं की सहायता, गरीबों और असहाय लोगों के लिए मदद, गरीब बच्चियों के पढ़ाई के लिए भी कार्य करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जाते जाते अब आपके लिए भैरंट न्यूज जर्जर भोपाली के साथ। भैरंट समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ जर्जर भोपाली। ये वेरेंट किस्म के समाचार लेके आए हूँ, बता रहा हूँ। बजट आ गया है, वो हम तो सोच रहे थे इतनी ठंड पड़ ली है, रजाइयाँ सस्ती हो जाएंगी, कंबल सस्ते हो जाएंगे, कोयला सस्ता हो जाएगा, सिगड़ी बना के भपक भपक के तापेंगे हम। ये तो कुछ हुआ नहीं है। वो बता रहा हूँ कि ये मिडिल क्लास को ऐसे लपक लपक के दिया है। क्या दिया है पूछो, पूछ तो लिया करो भैया। बीच में ये टैक्स लिमिट बढ़ा दिए 5 लाख तक, है ना, कोई टैक्स वगैरह देना ही नहीं है। और वो धारा क्या होती है 80C वगैरह, वो मिला मिलू के 8 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, ये तो भला पक्के गर्मी आ गई मिडिल क्लास में। वो बता रहा हूँ, और चुन्नू भाई तुम यार रोते रहते हो ना नौकरियों के लिए, डिग्रियों के लिए घूमते रहते हो। अरे वोट तो दो, अगले बजट में तुम्हारे लिए हो जाएगा इंतजाम, उसमें क्या खास। वो किसानों को तो ऐसे लपक के मिलने वाला है, 6,000 मिले हैं। अरे महीने के नहीं, साल के। अरे 17 रुपये पर डे। हाँ, और राहुल भाई का कहना है कि 17 रुपये में क्या होगा। अरे हमारा कहना है क्यों नहीं होगा, 17 रुपये में चिलम भर के पियो, एनर्जी आएगी, मोड़ बन जाएगा, लपक के खेती करो, उसमें क्या है। हाँ, और एक समाचार और सुन लो, हमारे जो अपने शुक्ला जी ना, ऋषि कुमार शुक्ला जी, अब बन गए, पहले DGP थे ना अपने मध्य प्रदेश में, अब बन गए भैया CBI के चीफ। बता रहा हूँ, ग्वालियर के हैं, इनको है ना चंबल में डाकू पकड़ने का बहुत ही एक्सपीरियंस है। अब पूरे देश में ना लपक के डाकू पकड़ने वाले हैं, छापे पे छापे लगने वाले हैं, बता रहा हूँ। हाँ,
शक्ल से बहुत सीधे साधे लगते हैं, लेकिन बहुत कड़ाक आदमी है, बता रहा हूँ। और एक बात और बता रहा हूँ, ये है ना अपनी कुंडली वगैरह देखते हैं, ज्योतिष हैं, इन्होंने अपनी लकीरें खुद ही देख ली थी, ये होने वाले हैं CBI के चीफ। हाँ तो भैया ये बहुत अच्छा हुआ। और एक समाज और है इधर भी, अरे ये वाड्रा जी को है ना जमानत मिल गई जीजा जी को, तो जीजा लोगों को बहुत रिलैक्स हो गया है। हाँ सालों को तो हो ही रहा है। और किसानों को तो लपक के देखो आप, कि केंद्र सरकार पेंशन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी है कुछ इनको करने वाली है पेंशन वगैरह, तो लपक के है। एक समाचार और इधर पे देखो, किसानों को दो बार कर दिया धान का भुगतान। अरे भैया तो इसमें क्या दिक्कत हो गई, कर दिया किसान भाई है, इनको डबल दे दिया, कभी कभी इनका कभी तो तौल लेते हो, उसमें क्या है। और एक समाचार दिल्ली में देखो, दिल्ली में कल भूकंप के झटके आए थे, अरे हमारे भोपाल में भी आए थे भैया, पूरा भोपाल हिल रहा था कल। हाँ कमर हिला हिला के हिले जा रहे थे। अरे भैया सपना चौधरी आई थी नहीं यहाँ पे? हाँ अरे दो लोगों को तो फ्रैक्चर हो गए कमर में। हाँ इस कदर हिलते हैं लोग भैया, क्या बता रहे हूँ मैं, ऐसे ऐसे समाचार हैं देखो आप। और कुछ रह गया क्या ये बहुत समाचार तो भाई। ओ ये केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 3% DA बढ़ने वाला है भैया, और हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट वाले भी है ना मुँह लटकाए ऊपर बैठे हुए, दो बूंद जिंदगी की इनको भी मिलने वाली है शायद। तो भैया अब समाचार बहुत हो गए, हम तो थक गए पढ़ते पढ़ते। नमस्कार। आप देख रहे हैं।